से एंड हाउ टू से हमें क्या कहना है और कैसे कहना है. यू कैन बिगिन बाय सेइंग, हम ये बोलने से पहले स्टार्ट कर सकते हैं. टू बिगिन विद आई वुड से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड वेन आई थिंक ऑफ, जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है जब मैं सोचता हूँ. वी मे थिंक दैट इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद करप्शन. हम ये सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करप्शन से डील करेगा. लेट अस फर्स्ट लुक एट दी फैक्ट्स नोन टू अस. फॉर एग्जाम्पल, पहले वो फैक्ट देखते हैं जो हमें नोन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई स्ट्रांगली सपोर्ट, मैं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ इस चीज को. बिकॉज क्योंकि इफ यू स्पीक आफ्टर समवन यू कैन कंटिन्यू विद. अगर हम किसी के बाद कुछ बोलते हैं तो यू कैन कंटिन्यू विद, तुम कंटिन्यू कर सकते हो. एज माई फ्रेंड हैज जस्ट सेड या स्पोकन, मेरे जो फ्रेंड ने भी जस्ट कुछ कहा है और बोला है. प्रिजुअबली अबाउट और आर्ग्यूड, किस चीज के बारे में या जिस चीज के बारे में आर्ग्यू किया है. टू इन्वॉल्व अदर्स इन योर थिंकिंग यू मे से, जब हम किसी को अपनी थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं यू विल ऑल एग्री विद मी दैट, कि तुम सब मेरी बात से एग्री करोगे इसमें. यू कैन बिगिन इन अ वे दैट सूट यू ओन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. हम किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारी स्पीकिंग की स्टाइल को सूट करता है. ट्राई टू इंक्लूड अदर्स इन योर कन्वर्सेशन, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करें. टू कन्वे दैट यू आर ओपन टू अदर्स, ये कन्वे करने के लिए कि हम दूसरों के व्यूज से ओपन है, मतलब हमें उनके व्यूज सुनने में कोई दिक्कत नहीं है. एज वेल यू कैन ऑल्सो डू दिस बाई यूजिंग वी एंड अस. हम ये काम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अगर वर्ड यूज करें वी एंड अस इंस्टेड ऑफ आई एंड मी, आई एंड मी की जगह पे हम वी और अस भी यूज कर सकते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वट एवर यू से फुलफिल्स अ पर्पज. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो हमारा पर्पज फुलफिल कर देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन दे देता है, एग्री डिसएग्री कर देता है विद अ पॉइंट ऑलरेडी मेंशन. जो भी हमारा पॉइंट, यू नीड टू कंसिडर द फाइव वर्ड्स गिवन बिलो. हमें ये जो फाइव वर्ड्स दिए इसे कंसिडर करना चाहिए. वट इज नोन टू सम और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट. वट इज नोन मतलब तुम लोगों को क्या, वट इज नोन टू सम और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्या नोन है सारे पार्टिसिपेंट्स को. वट मे बी एक्सेप्टेबल अनएक्सपेक्टेबल अनएक्सेप्टेबल टू सम और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, या तुम लोगों से ये अनएक्सपेक्टेबल नहीं था सम या मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट से. वट लेवल ऑफ डिटेल इज रिक्वायर्ड, किस टाइप, किस लेवल की हमें डिटेल चाहिए. वट डेप्थ आइडियाज इज रिक्वायर्ड टू डील विद पॉसिबल क्वेश्चन, किस टाइप के आइडियाज हमें रिक्वायर है इस पॉसिबल क्वेश्चन से या रिलेटेड टू टॉपिक इससे डील करने के लिए. वट मस्ट बी सेड एट अ पॉइंट, क्या हमें उस पॉइंट पे कहना चाहिए. एंड वट इज टू बी रिटेन फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, और क्या उस टाइम के लिए हमें बचाना चाहिए किसी भी अप्रोप्रिएट टाइम के लिए. आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड वट अनदर पर्सन हैज सेड. हमें क्लैरिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें समझ में नहीं आता कि दूसरे पर्सन ने क्या कहा है. यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्कशन. हमें दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए जब वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी डिस्कशन में. इवन इफ यू आर मे नॉट एग्री विद समवन विद एवरीवन, अगर तुम किसी से एग्री नहीं भी हो तब भी हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिमेंबर टू एड्रेस द पॉइंट्स रेदर देन द पर्सन, हमें एड्रेस रिमेंबर रखना चाहिए ना कि पॉइंट रिमेंबर रखने चाहिए. ट्राई टू गिव इक्वल टाइम टू एवरीवन, के अंदर हमें हर किसी को इक्वल टाइम देना चाहिए बोलने का. ड्यूरिंग द डिस्कशन यू मे यूज फ्रेज लाइक, हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम कुछ फ्रेजेस ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आई वुड लाइक टू एड अ पॉइंट हियर, कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक पॉइंट यहाँ पर एड करना चाहता हूँ. सेकेंड पॉइंट है एज यू हैव राइटली सेड, कि जैसा अभी आपने बिल्कुल सही कहा. थर्ड आता है आई थिंक वी फॉरगेट टू कंसिडर द फैक्ट अबाउट फैक्ट दैट, कि मुझे लगता है कि हम ये फैक्ट को कंसिडर करना भूल गए हैं. कॉइनिंग बैक टू निखिल पॉइंट दैट एग्जामिन शुड नॉट बी मेयर मेमरी टेस्ट, कि हम निखिल के पॉइंट पे जाते हैं जो कि उन्होंने बोलता है एग्जामिनेशन शुड नॉट बी मेयर मेमरी टेस्ट, कि एग्जामिनेशन एक मेमरी टेस्ट होते हैं. एज यू कैन सी द फ्रेज इन वन इज यूजफुल टू मेक एन एडिशनल पॉइंट, हमें जैसे हमने देखा कि जो फ्रेज वन था वो हमारा एडिशनल पॉइंट जोड़ने के लिए या यूज करने के लिए बोला गया है. एंड कैन बी यूज इवन टू इंटरप्ट अ स्पीकर, और इसलिए भी बोल सकते हैं किसी भी स्पीकर को इंटरप्ट करने के लिए, बीच में रोकने के लिए. सो इज टू, जो टू है वो विच एग्रीज विद द प्रीवियस स्पीकर एंड एड्स अ पॉइंट, जो जो प्रीवियस स्पीकर था उसके साथ एग्री करके वो एक नया पॉइंट ऐड करना चाहता है. जो फ्रेज थ्री और फोर थे वो कम इन यूजफुल टू कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट, वो दोनों यूज करे गए थे किसी भी अर्लियर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जो पहले बोला गया है. आफ्टर अ स्लाइट गैप, किसी भी गैप के बाद.
Perhaps you wanted to say something but didn't want to interrupt the speaker. अगर हमें कुछ कहना है और हम स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना चाहते, with these words you may refer back to the person. तो इन वर्ड्स को यूज करके हम उस पर्सन पर वापस जा सकते हैं और उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो दोबारा से बोले. Here are some more suggestions of language which may be used in a group. हमारे यहाँ पर कुछ suggestions हैं जो इस ग्रुप में किए जाते हैं. Stating an opinion. अगर हमें कुछ अपना ओपिनियन बताना है, इट सीम्स टू मी कि ऐसा मुझे लगता है. इन माई व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. आई टेंड टू थिंक, मुझे ऐसा मैं ऐसा सोच रहा हूँ. इट्स ऑब्वियस दैट, ये तो बहुत ऑब्वियस है. आई बिलीव, मुझे लगता है. क्लियरली, हाँ ये तो बहुत सही है. अगर हमें किसी को इंटरप्ट करना है, एक्सक्यूज मी मे आई आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, कि प्लीज एक मिनट क्या मैं क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकता हूँ. इफ आई मे इंटरप्ट, क्या मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ. सॉरी टू इंटरप्ट, बट इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ. लेकिन अगर हमें हैंडलिंग इंटरप्शंस करने, सॉरी प्लीज लेट मी फिनिश. सॉरी क्या मैं खत्म कर दूं. इफ आई मे फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं फिनिश कर सकता हूं जो मैं कह रहा हूं. कुड यू प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप मेरे को अलाउ करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ. मूविंग द डिस्कशन ऑन, अगर हमें किसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ा के चलना है. कैन वी गो ऑन टू थिंक अबाउट, क्या हम चल सकते हैं इसको सोचने के लिए. आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन टू कंसिडर, अब हमें सोचना चाहिए, अब हमें मूव करना चाहिए किसी इसको कंसिडर करने के लिए. अगर हमें अपने एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करना, आई टोटली एग्री, मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ. आई एग्री एंटायरली, मैं एग्री करता हूँ. आई क्वाइट एग्री, मैं एग्री करता हूँ. आई कुडंट एग्री मोर, मैं अब एग्री नहीं कर सकता. एब्सोल्यूटली, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, ये तीनों वर्ड जैसे ही होते हैं. जब बिल्कुल एक्यूरेट कुछ बोलता है तो उसके अगर हम उस पर एग्री करते हैं तो आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो. अगर हमें डिसएग्रीमेंट दिखाने तो आई डोंट एग्री एट ऑल, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता. आई टोटली डिसएग्री, मैं पूरा पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूँ, मुझे ये सब ये चीज सही नहीं लगी. आई थिंक क्वाइट डिफरेंटली ऑन दिस, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इसमें. आई डोंट रियली थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई एम अफ्रेड, आई कांट एग्री विद यू देयर, मुझे मुझे डर है मैं इसमें तुम्हारे साथ एग्री नहीं कर सकता. अगर हमें किसी कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है, रिफॉर्मुलेटिंग करनी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं टू पुट दैट अनदर वे, कि इसको हम अलग वे में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं. इफ आई फॉलो यू करेक्टली, इफ आई फॉलो यू करेक्टली, मतलब अगर मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ तुम करेक्ट हो. सो वट यू आर सेइंग इज, तो तुम क्या कह रहे थे. डज दैट मीन, कि क्या इसका कुछ मतलब है. आर यू सेइंग, क्या तुम बोल रहे हो. अगर हमें कुछ सजेशन बनाने हैं, कुछ सजेशन देने हैं, तो हम बोलते हैं आई सजेस्ट दैट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है. वी कुड, हम ये कर सकते हैं. परहैप्स वी शुड, हमें ये करना चाहिए. इट माइट बी वर्थ, ये हमारा करना वर्थ होगा. व्हाट अबाउट, क्या सोचते हो. व्हाई डोंट वी, क्या हम नहीं कर सकते. ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इज व्हेन अ ग्रुप इधर सिंक्स और स्विम्स टुगेदर. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हमारा वो होता है जब कोई ग्रुप या तो सिंक कर रहा होता है, या तो मतलब ना कर रहा होता है, या तो स्विम कर रहा, मतलब एक साथ बोल रहा होता है. इट इज मेट इन अ ग्रुप एज इट्स मेंबर्स शेयर अ टास्क, ये ग्रुप में मेट होता है जब हमारे जो मेंबर्स है वो कोई भी टास्क शेयर करते हैं एक दूसरे से, कोई गोल शेयर करते हैं या कॉमन रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तब होता है ये. देयरफॉर अ फीलिंग ऑफ वननेस इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रुप मेंबर्स, हमारे लिए जो वननेस की फीलिंग है, मतलब एक साथ रहने की जो फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रुप मेंबर्स में. दिस ऑल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप अ पॉजिटिव वे ऑफ स्पीक, हमारे लिए दिस ऑल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप अ पॉजिटिव वे, ये हमें हेल्प करता है पॉजिटिव वे में थिंक करने की, वे ऑफ स्पीकिंग इन अ डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग वी इंस्टेड ऑफ आई और यू विल शो द फीलिंग ऑफ पॉजिटिव. जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं वी इंस्टेड ऑफ आई, अगर हम आई की जगह पे वी लेते हैं और यू विल शो द फीलिंग ऑफ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस दिखाता है कि हाँ हम उनके साथ बात करने के लिए या उनको हम एक साथ लेके चलने के लिए तैयार है. डिसएग्रीमेंट्स आर अ कॉमन पॉसिबिलिटी इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो ये तो एक कॉमन पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे मेंबर्स होते हैं उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो डिसएग्री तो कोई ना कोई हो ही जाता है. दीज नीड टू बी डेल्ट विद इन अ पॉजिटिव वे, इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. एग्रेसिव बिहेवियर अफेक्ट्स अ हेल्दी डिस्कशन, तो अगर हम इस वजह से एग्रेशन में रहेंगे तो जो हमारा जो हेल्थी डिस्कशन चल रहा था उसमें उसके बिहेवियर में कुछ अफेक्ट आ जाएगा. रिमेम्बर टू एड्रेस द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट रेदर देन द पर्सन हु मेक्स इट, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें डिसएग्रीमेंट बनाना है वो हमें
पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट है, किसने कहा था। डिसएग्रीमेंट्स शुड बी रिफ्रेम्ड इन कंस्ट्रक्टिव वेज, जो हमारे डिसएग्रीमेंट होते हैं उनको भी हम एक रिफ्रेम कर सकते हैं एक अलग तरीकों से। से आई डोंट थिंक आई एग्री, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे लगता है मैं एग्री नहीं करता, दैट डजेंट मेक सेंस एट ऑल। इसकी जगह पर आई डिसएग्री बिकॉज, मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि, दैट इज नॉट ट्रू। इसकी जगह पर हमें आई डिसएग्री बिकॉज कहना चाहिए। आई सी इट डिफरेंटली बिकॉज, मैं इसे दूसरी तरीके से देखता हूँ क्योंकि। नो आई डोंट एग्री, इसकी जगह पर हमें ये कहना चाहिए आई सी डिफरेंटली बिकॉज। आई थिंक वी शुड चेक वट वी आर सपोज टू डू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें चेक करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट वट वी आर आस्ट टू डू। इसकी जगह पर इट माइट बी बेटर टू, ये बेटर रहेगा करना, यू आर डेड रॉन्ग। इसकी जगह पर हमें ये सारी वर्ड्स मतलब कहने चाहिए। Have you considered, क्या तुमने consider करा? How can you say this? Does everyone agree, क्या सब agree करते हैं? Let's vote on it. इसकी जगह पर हमें ऐसा कहना चाहिए, Does everyone agree? I understand how you feel, मुझे पता है कि तुम कैसा feel कर रहे हो, but I think you might also consider. But मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये सब चीजें consider करनी चाहिए, that really upsets me. इसकी जगह पर To be aware of possible differences among group members will help you to frame your ideas well. अगर हमें इस पॉसिबल डिफरेंसेस जो ग्रुप मेंबर्स के बीच में होते हैं, हमें हेल्प करेंगे एक आइडियाज को फ्रेम आउट करने के लिए। ओवरकम डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, हमें डिफरेंसेस को कैसे ओवरकम करना चाहिए जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल में आते हैं। बाय डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल वी मीन दैट एवरीवन डज नॉट एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द सेम वे, सम थिंक अलाउड कंपोजिंग देयर थॉट्स ऑन द फ्लाई। By differences in communication style, we mean that एक अगर हमारा communication में differences का meaning हम इस समझते that everyone does not express their thoughts in the same way, मतलब हर इंसान या हर कोई अपने जो thoughts हैं वो same तरीके से express नहीं करते हैं। Some think aloud, कुछ aloud think करते हैं, composing their thoughts on the fly, कुछ मतलब ऊपर देख के सोचते हैं या कुछ मतलब वैसे सोचते हैं। That is they state their views as they think and feel, मतलब वो अपने views को वैसे शो करेंगे, स्टेट करेंगे जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से। सिंस दे आर कंफर्टेबल विद फोर्सफुल मैनर ऑफ स्पीकिंग, जैसा वो कंफर्टेबल है फोर्सफुल मैनर मतलब में स्पीकिंग करने के लिए, दे मे बी अनकंफर्टेबल विद साइलेंस इन अ ग्रुप, मतलब जैसे कोई कोई होता है कि कोई तो साइलेंस में अपने थॉट्स रखना चाहता है बिल्कुल शांत हो, और कोई कोई उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, मतलब उसे चाहिए कि कुछ हल्ला गुल्ला होते रहे तब मैं अपने थॉट्स को मतलब बताऊं। Such an extroverted communication style is completely different from one where people love to ponder on an issue or listen to what everyone else has to say before they speak their mind. तो जो एक extrovert communication style है, ये बहुत अलग है from one where people love to ponder. उससे अलग है कि जैसे people जो हैं वो ponder love करते हैं कि हम ponder on an issue or listen to what everyone else has to say before they speak their mind. मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि पहले दूसरा कोई बोले, जब तक मैं बोलूँ वो इतना सोच लेते हैं अपने दिमाग में। दे हैव एन इंट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन स्टाइल, उनका एक इंट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस डजंट डिस्टर्ब देम। और अगर साइलेंस भी चल रहा है पूरी डिस्कशन में तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें भी अपना काम करते रहेंगे। एज अ ग्रुप मेंबर यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली वेन यू अप्रिशिएट वेरिड कम्युनिकेशन स्टाइल यू कैन अचीव बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप मेंबर, एज अ ग्रुप मेंबर यू हैव टू रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए कि दैट ओनली वेन यू अप्रिशिएट वेरिड कम्युनिकेशन स्टाइल, जब हम किसी भी वेरिड कम्युनिकेशन स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, यू कैन अचीव बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप। तो हम एक बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं ग्रुप में। ओकेजनली यू मे स्टेप आउट ऑफ योर फॉर्म टू एनकरेज ईच अदर, मतलब हमें अपने स्टेप आउट करना चाहिए, हमें अगर दूसरा किसी का कुछ स्टाइल हमें अच्छा लगता है या कुछ ऐसा अच्छा लगता है तो हमें एनकरेज करना चाहिए उसको, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए हमें अपने पार्टिसिपेशन के लिए। ग्रुप मेंबर्स विद एन एक्सट्रोवर्टेड स्टाइल, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं जिनका एक एक्सट्रोवर्टेड स्टाइल होता है, नीड टू पीरियोडिकली रिलैक्स एंड साइलेंटली डेलिब्रेट ऑन एन इशू, वो बिल्कुल उन्हें चाहिए कि वो पीरियोडिकली रिलैक्स रहे और साइलेंट रहे, डेलिब्रेट रहे अपने इशू पे, मतलब बस वो अपने इशू पे ही, उन्हें जिस इशू पे बात करनी है, जिस इशू पे अपने थॉट रखने उस पे ही फोकस करते हैं। दोज विद एन इंट्रोवर्टेड स्टाइल नीड टू पीरियोडिकली एनकरेज देमसेल्व्स, और जो इंट्रोवर्टेड होते हैं वो उन्हें चाहिए कि हम अपने आप को एनकरेज करें पहले, इफ नॉट टू बी एनकरेज बाय अदर्स, मतलब अगर हमें दूसरे से एनकरेजमेंट नहीं मिले तो हम अपने आप को अपने से एनकरेज करें टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करने के लिए, इवन इफ दे हैवंट वर्कड आउट द प्रॉब्लम फुली इन देयर हेड्स येट, अगर उन्होंने जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने दिमाग में ढंग से अभी तक सोचा नहीं है, तब भी वो चाहते हैं कि हम थोड़े कॉन्फिडेंस रहे अपनी चीज को रखने के लिए। एक्नॉलेज डिफरेंसेस इन जेंडर एंड कल्चर,
यू मे फेस कल्चर डिफरेंसेस. हमें पता है कि हम कल्चर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा फेस करते हैं व्हेन यू इंटरेक्ट इन अ ग्रुप. अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर है फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रुप में हमारे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, दिस कैन समटाइम्स मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट. ये कभी कभी ऐसा करता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है. ग्रोइंग अप एंड इन अ डिफरेंट रीजन स्टेट और कंट्री जनरेट डिफरेंशियल कम्युनिकेशन स्टाइल. अगर हम डिफरेंट रीजन में ग्रो कर रहे हैं, स्टेट में या किसी भी अलग कंट्रीज में ग्रो कर रहे हैं, तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो हमारे बोलने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का होता है. योर स्टाइल मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वट यू फेस एट द टाइम ऑफ डिस्कशन. ऐसा हो सकता है जैसे हमारा जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जब हम डिस्कशन में उससे बहुत ज्यादा अलग हो. डिसएग्रीज ऑफ ब्लंटनेस, ब्लंटनेस की डिसएग्री, असर्टिवनेस इन स्पीच, प्रेफरेंसेस फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टाइल्स में भी सम ऑफ द पैटर्न्स बेस्ड ऑन द कम्युनिटी अपब्रिंगिंग. जो हमारी जब जैसे हम मतलब अपब्रिंग किए जाते हैं, जैसे हम अपने कल्चर में रहते हैं उस तरीके से जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जैसे हम ग्रो करते हैं, तो उस तरीके से हमें पढ़ना लिखना बोलना उसी एसेंट में आता है. तो जब हम ग्रुप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में होते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे इंसान के लिए उसको समझना या बोलना. यू नीड टू रिमेन ओपन टू टॉक इन स्पाइट ऑफ सच डिफरेंसेस. हमें थोड़ा ओपन रहना चाहिए इस चीजों में कि हाँ हमें पता है कि डिस्कशन में डिफरेंसेस होंगे, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए. अ ग्रुप मेंबर हु इज सेंसिटिव टूवर्ड दीज डिफरेंसेस विल वैल्यू दिस यूनिकनेस. जो ग्रुप मेंबर इस चीज में सेंसिटिव होगा, इस डिफरेंसेस के टूवर्ड्स जो सेंसिटिव होगा, वो वैल्यू करेगा इस यूनिकनेस की एंड विल नॉट हेजिटेट. मतलब उसे पता होगा कि हाँ ये तो यूनिकनेस इसमें आएगी और वो कुछ भी हेजिटेट नहीं करेगा अपने आइडियाज को शेयर करने में दूसरे मेंबर्स को, जिसे पता होगा कि हाँ हम ग्रुप डिस्कशन में है तो हमारे जो डिफरेंसेस होंगे लैंग्वेज में वो होंगे. इट इज वेरी कॉमन टू टेक अप रोल्स इन ग्रुप्स. ये हमारा बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि हम अब ग्रुप्स में अपने रोल्स लें. ऑन जेंडर सोशलाइजेशन, मतलब किसी भी जेंडर बेसिस पे या किसी भी उसमें, यू मे रैली ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल्स विद विच यू आर मोस्ट कम्फर्टेबल इन सोशल सेटिंग्स. हमें उस कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे रैले करना चाहिए. रैले मतलब हमें उस कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे रखना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को रखना चाहिए जिसमें हम कम्फर्टेबल हो बोलने में किसी भी सोशल या पब्लिक एरिया में. हाउएवर अगर जैसे अगर हमें इंग्लिश में हमें फ्लुएंट आती है तो हम इंग्लिश में बोलना चाहिए, अगर हमें हिंदी आती है तो हमें हिंदी में बोलना चाहिए. हाउएवर ग्रुप्स वर्क टुगेदर बेस्ट व्हेन ग्रुप मेंबर्स एक्सपेरिमेंट विद अ वैरायटी ऑफ रोल्स इन ग्रुप. हमारा जो ग्रुप है वो काम अच्छे से तब करता है जब बेस्ट ग्रुप बनता है जब जो सारे मेंबर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग रोल्स लेने के लिए अपने ग्रुप्स में. इवन दोज विद विच दे डोंट हैव एज मच एक्सपीरियंस. अगर उन्हें उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर वो तब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब भी रोल्स लेते हैं, तो उससे जो हमारा ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बेस्ट बनता है. इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट. एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज मस्ट बी वेल बैलेंस विद लिसनिंग टू अदर्स. जो हमारे एक जो एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज, वो बैलेंस रहने चाहिए कि दूसरा वो क्या सुन रहा है उससे बैलेंस रहना चाहिए. टू रीच एट एन अंडरस्टैंडिंग एट अ ग्रुप, मतलब जो हम बोल रहे हैं दूसरा वो ही सुनना चाहिए, तभी हमारा जो ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छे से हो पाएगी. On the other hand, agreeing to any statement offered without any effort to analyze its worth can misfire everything. दूसरे हाथ पे अगर हम agreeing to any statement, अगर किसी भी statement पे agree करते हैं often without any effort to analyze its worth, मतलब ये बिना सोचे समझे कि उसका worth क्या होगा, मतलब उसका मतलब क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या कर सकता है, किसी हर किसी चीज को मिसफायर कर सकता है, मतलब गलत वे में कम्युनिकेट या गलत वे में लेके जा सकता है. फॉर एन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन यू नीड टू अडॉप्ट अ मिडल रोड बिटवीन द टू. अगर हमें किसी भी ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव बनाना है तो हमें एक मिडल रोड को अडॉप्ट करना पड़ेगा बिटवीन द टू, वन दैट मोनोपोलाइजेस एंड द अदर दैट इज पैसिव. एक जो मोनोपोलाइज करे और दूसरा जो पैसिव रखे. एन एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन दैट इज ग्रेजुअल एंड स्टडी हेल्प्स टू लीड टू द इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ व्यूज. अगर कोई एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन है जो ग्रेजुअल दैट इज ग्रेजुअल है और स्टडी है जो हेल्प्स टू लीड टू द इंटीग्रेशन, जो हमें हेल्प करती है किसी भी इंटीग्रेशन में जाने की या सिंथेसिस किसी भी व्यूज को सिंथेसिस वे में जाने की. थ्रू एन इफेक्टिव डिस्कशन क्रिएटिव हाई एनर्जी एंड इफेक्टिव लर्निंग अकर्स अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. अगर हमारी इफेक्टिव डिस्कशन है
तो उसमें हमारी क्रिएटिविटी, हमारी हाई एनर्जी, हमारी जो इफेक्टिव लर्निंग है वो भी हमारे मेंबर्स ऑफ ग्रुप में, मतलब जितने भी हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको उनके साथ अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। इन शॉर्ट, अ पार्टिसिपेंट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन नीड्स टू एंश्योर दैट शी और ही हैज ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर दैट ही और शी कैन चेक वेदर ही और शी हैज फुलफिल्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स आफ्टर द डिस्कशन। अगर हम शॉर्ट में, इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़े तो इसका मतलब ये है कि हर ग्रुप में कोई भी जो पार्टिसिपेंट है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल है कि वो ग्रुप में बात कर सके, और उसको ये चेक करना चाहिए कि क्या वो फुलफिल कर सकता है इन सारे पॉइंट्स को जो नीचे बताए गए हैं डिस्कशन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेटेड प्रायर नॉलेज इनटू डिस्कशन। अगर इनकॉर्पोरेटेड प्रायर नॉलेज, हमें जिस टॉपिक पे जिस चीज पे हमें डिस्कशन करनी है उसकी हमें पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चन इन एन ओपन माइंडेड वे। अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो हमें हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए, हमें ओपन माइंडेड से पूछने चाहिए हर कोई क्वेश्चन। थर्ड आता है बिल्ड ऑन दी कमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स टू एनहेंस डिस्कशन। हमें कमेंट्स बिल्ड आउट करने चाहिए, किसी भी ग्रुप मेंबर ने अगर कुछ कमेंट किया है तो उसपे हमें सॉरी डिस्कशन किया तो उसपे हमें कमेंट बिल्ड आउट करने चाहिए उसपे। वॉलेंटियर्ड आइडियाज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। हमें जो अपने आइडियाज हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिव मैनर में रखना चाहिए। हेल्प टू समराइज द ग्रुप्स प्रोग्रेस। अगर कोई समराइज करा है तो, मतलब किसी ने डिस्कशन करा है तो हमें हेल्प करनी चाहिए कि हम उसे समराइज कर सके ग्रुप की प्रोग्रेस के लिए। आइडेंटिफाइड एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द ग्रुप आंसर। हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर हमें कुछ ग्रुप में अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस आउट हो चुकी है तो। मेंटेनिंग रोल्स इन अ ग्रुप। हमें अपने जो मेंटेन है वो सॉरी जो रोल्स है वो मेंटेन करके रखने चाहिए ग्रुप में। यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। द रोल्स आर डिसाइडेड बिफोर द डिस्कशन बिगिंस। हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम डिफरेंट रोल्स प्ले करें ग्रुप डिस्कशन में, और ये जो रोल्स हमारे पहले डिसाइड किए जाते हैं जब तक डिस्कशन भी बिगिन नहीं होता है। द रोल ऑफ अ टीम कैप्टन इज टू कीप द ग्रुप फोकस्ड ऑन द टास्क। जो टीम कैप्टन का रोल होता है वो ये होता है कि वो ग्रुप को फोकस रखे टास्क के ऊपर। ही और शी ऑल्सो मैनेजेस टाइम्स एंड मेडिटेट्स कॉन्फ्लिक्ट। उसको टाइम मैनेजमेंट भी रखना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मीडिएट्स भी रखना चाहिए। द रोल ऑफ अ रिकॉर्डर इज टू टेक डाउन द सेलियंट पॉइंट्स। जो रिकॉर्डर का रोल होता है वो ये होता है कि वो सेलियंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिकॉर्ड करके रखे। ही और शी ऑल्सो रिपोर्ट्स बैक टू द ग्रुप एज अ होल, और उन पॉइंट्स को वो दोबारा से ग्रुप में अच्छे से बताए। द एनकरेजर गिव्स फीडबैक टू द ग्रुप मेंबर। और जो रोल होता है एनकरेजर का वो ये होता है कि वो ग्रुप मेंबर को फीडबैक दे। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स आर हियर। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि जो सारे ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के वो सारे ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। द रिफ्लेक्टर कीप्स ट्रैक ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप प्रोसेस एंड मेक्स कमेंट्स अबाउट फोकस डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन लिसनिंग स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। जो हमारा ग्रुप जो हमारा रिफ्लेक्टर का काम होता है रोल होता है वो ये होता है कि वो एक ट्रैक रखे ग्रुप प्रोसेस का कि ग्रुप कैसे प्रोसेस कर रहा है, और कमेंट्स बताए कि फोकस रखना है आपको, डायरेक्शन सही रखनी है ऑर्गेनाइजेशन, या हमें जो लिसनिंग स्किल्स है उसको सही रखना है, या जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो सारे मेंबर्स को करना चाहिए। ये हमारा रिफ्लेक्टर का काम होता है। वंस अ रोल इज डिसाइडेड अपॉन यू ट्राई नॉट टू स्विच ओवर द अदर रोल्स। एक बार अगर हमारे रोल्स डिसाइडेड हो गए तो हमें ये रखना चाहिए कि हमें दूसरे रोल पे नहीं जाना है, स्विच नहीं करना है। इन एन इंटरव्यू जी डी दीज रोल्स आर नॉट डिसाइडेड बिफोर बट कम अप अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटीज। अगर हम इन एन इंटरव्यू जीडी अगर हम इंटरव्यू में हैं तो दीज रोल्स आर नॉट डिसाइडेड बिफोर, तो ये रोल्स पहले से डिसाइडेड नहीं किए जाते हैं, बट कम अप अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स एबिलिटी। लेकिन वो कैंडिडेट्स के एबिलिटीज देख के अपने आप डिसाइड किए जाते हैं। यू मे शो एन इंटरेस्ट इन प्लेइंग ऑल द रोल्स और जस्ट। हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए हर किसी भी रोल्स को प्ले करने के लिए और जस्ट वन। द रोल ऑफ द टीम कैप्टन इज वन ऑफ द लीडरशिप। हमारा जो टीम कैप्टन का रोल है वो एक लीडरशिप के ऊपर है कि वो पूरी टीम को लीड करके चलेगा। द रिकॉर्डर एंड द एनकरेजर सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ जीडी। जो हमारा रिकॉर्डर है और जो हमारा एनकरेजर है वो उनका ये काम रहता है कि वो एक जीडी में एक स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, हमारी एक इंटरव्यू में स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, उसमें कुछ रुकावट ना आए। एंड द रिफ्लेक्टर स्टर्स द प्रोसेस। और जो हमारा रिफ्लेक्टर होता है वो हमारे प्रोसेस को देखता रहता है कि किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से किस टाइम पे चल रहा है। These roles are extremely important in a GD. हमारे जो roles है बहुत ज्यादा important हो जाते हैं हमारे GD में। That is a part of a meeting, जो एक part होता है हमारा meeting का। They help to fulfill the objective of the discussion. ये हमारे help करते हैं हमारे discussion के objective को fulfill करने में।